गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 1 ऐप का 12 और 13 सवाल। ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में एक बच्चे ने कमेंट किए थे, तो उनके लिए मैं ये बताने जा रहा हूँ। आइए चलिए देखते हैं। देखिए क्या दिया है। 12 नंबर, 5√3 प्लस 2√27 माइनस 1/√3। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो 5√3 ये तो वैसे ही रहेगा, प्लस 2, रूट के अंदर है 27, तो इसके कहते हैं गुणनखंड। तो 3 × 3 × 3 माइनस 1/√3 है, तो √3 का करा दें ऊपर गुणा और √3 का नीचे गुणा करा दें, ठीक। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 5√3 हो जाएगा और प्लस यहाँ से ये 2 का जोड़ा बना, बाहर निकाल लेंगे तो 2 × 3 अंडर रूट के अंदर बचा 3 माइनस √3 का गुणा 1 में, तो √3 का गुणा √3 में, तो 3 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5√3 प्लस 3 × 6√3 माइनस 1/3√3। तो अब ये 6 और 5 11√3 माइनस 1/3√3। एलसीएम ले लेते हैं तो 11 × 33√3 माइनस √3/3, तो क्या आ जाएगा, 32√3/3। ये हो गया, ठीक। अब सवाल नंबर 1 और पूछा गया है, 13 नंबर सवाल। तो ये 12 नंबर हो गया, अब 13 नंबर देखिए वो भी बता देता हूँ। 13 नंबर सवाल है, 13 नंबर है √4 × 3 और रूट के अंदर है 40 माइनस 4√3 और 320 प्लस 3√3 और रूट में 625। तो ये सवाल भी पूछा गया था, तो इस सवाल को भी देख लीजिए सभी लोग। देख क्या है, 4√3 है 3 और 40 है, तो 40 के हम गुणनखंड करें तो 2 × 2 × 2 और 5 हो जाएगा माइनस 4√3 है 3, 320 के गुणनखंड कर लें तो 2 से 160 आएगा, फिर 2 से 80 आएगा, फिर 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1, तो आएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार है, तो 3 × 2 = 5 × 2 और गुणे बचेगा 5, ठीक। उसके बाद प्लस 3√3, अब 625 के गुणनखंड, तो 5 × 5 × 5 × 5 5 × 25 = 125 × 625। अब देखिए जो जोड़े बन रहे हैं हमारे वो हम बाहर निकालते हैं, तो यहाँ घात कितनी है करनी की 3, तो 3 का जोड़ा बनेगा, तो ये 1 2 का जोड़ा बन गया, बाहर हो गया, करनी की घात 3 रूट में बचा 5 माइनस 4, यहाँ भी घात 3 है तो 3 का जोड़ा, तो 1 जोड़ा ये बन गया और 1 जोड़ा ये बन गया, तो × 2 × 2 और करनी की घात 3 रूट में बचा 5 प्लस 3 है, 3 लिख दिया, अब 3 घात है तो 3 का जोड़ा ये बन गया, तो 5 बाहर, करनी की घात 3 और √5, ठीक है। तो अब इसका मल्टीप्लाई कराएं तो 4 × 2 = 8 करनी की घात 3 √5 माइनस 4 × 2 = 8 8 × 2 = 16 और करनी की घात 3 √5 प्लस 5 × 3 = 15 करनी की घात 3 √5। तो अब देखो घातें सभी हमारी समान है,
घातें सभी हमारी क्या हैं, समान है, और रूट के अंदर जो है वो भी हमारा समान है। तो बाहर का जोड़ घट जाएगा, तो ये देखो 15 प्लस का है और ये 8 का, तो 15 और 8 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 23, कर्णी की घात 3 रूट 5 माइनस 16 कर्णी की घात 3 रूट 5। तो अब 23 में ये 16 घटेगा तो क्या बचेगा 7 और कर्णी की घात 3 रूट 5। तो ये हो गया सवाल, ठीक। तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे 12 नंबर और 13 नंबर, तो 12 नंबर और 13 नंबर क्वेश्चन मैंने बता दिए। अब अगर किसी को भी इस एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, वो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, ठीक। और अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको हर सवाल की वीडियो मिलती रहे। ओके, राधे राधे।